मोबाइल इन्वर्टर बैटरी हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंड। गाँव वाले ही देता है, पर गाँव वाले को ये चीज नहीं करने को मिल रही है। माँ की स्तुति नहीं कर सकते, माँ की सेवा नहीं कर सकते 9 दिन, तो मेरा मतलब क्या रह गया हमारा इस गाँव में? लेकिन 9 दिन माँ की सेवा नहीं कर सकते ढंग से, तो मतलब क्या भी? भैया कोई हमारे प्रांगण में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो, शांतिपूर्ण अपना काम नहीं। इंदौर में सबसे बड़ा गरबा मंडल है, अभिव्यक्ति बाद 1:30 बजे रात तक लोग लाइव गरबा कर रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं रोक रहा। मध्य प्रदेश के खंडवा के खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज बंद का आह्वान किया गया और बंद का आह्वान पुलिस प्रशासन पर हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने, रात को माता जी के पंडालों में जाकर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने, इसके अलावा गरबा पंडालों पर जाकर दुर्व्यवहार करने, जूते पहनकर पंडालों में जाने और जब इस बात को लेकर विरोध कराने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, जिसमें संघ सहित अन्य हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी थे वो जब थाने गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने, उनको धमकी देने जैसे आरोप पुलिस पर लगाए गए और उस बात को लेकर आज खालवा थाने के अंतर्गत जो खालवा नगर है उसे धड़ाधड़ बंद कर दिया गया। हिंदू संगठन के लोग रोड पर निकल आए, पूरा खालवा इस बात को लेकर आक्रोशित है और इस समय खंडवा के खालवा थाना क्षेत्र के जो नगर है उसमें दुकानें बंद की जा चुकी हैं, लोग एकत्रित हैं और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि रात को 10 बजे पुलिस पंडालों में पहुंच जा रही है और ज़बरदस्ती जो है पंडालों को बंद कराया जा रहा है। सभी लोग समझते हैं कि चुनाव आचार संहिता चल रही है और चुनाव आचार संहिता के चलते लोगों को इस बात का ध्यान भी है। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हाथ में कागज लेकर लोग इस समय खालवा क्षेत्र में मौजूद हैं, नगर की रोड पर हैं, चुनाव बहिष्कार जैसी पट्टियां लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे विषय को लेकर हिंदू संगठन सहित खालवा नगर में आक्रोश है। पुलिस का ये कहना है कि जिस जूते पहनकर कोई भी पंडाल में नहीं गया और क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, थाने में भीड़ आने पर उन्हें समझाइश दी गई थी कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और इस तरह से भीड़ की बजाय कुछ लोग आकर बात करेंगे तो बेटर होगा, लेकिन हिंदू संगठनों का ये कहना है कि उन्हें धमकी दी गई कि तुम्हें सबको अंदर बंद कर देंगे। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की ये कहानी है। बहरहाल खंडवा का खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला खालवा नगर इस समय बंद है, दुकानें तेजी से बंद कर दी गई हैं, आक्रोशित भीड़ जो है रोड पर है और पुलिस उन्हें समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास कर रही है। मतलब बंद, खालवा बंद मतलब बंद। हमारे बहन बेटियों को जिनने गाली दिया, जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे जाके खालवा पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आपको और मंडोई साहब को नहीं हटाया गया तो ना तो यहाँ पे मूर्ति विसर्जन होगी, ना आरती होगी और जब तक तो ये मार्केट खुलेगा नहीं सर, पूरा मार्केट बंद है, पूरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष सर के पिताजी को फोन लगा के बोलते हैं, बोले तुम्हारा लड़का गुंडागर्दी आके कर रहा है, बोले आज तो मैं 10 बजे से कार्रवाई करूंगा। मतलब ये पूरा समाज को चैलेंज कर रहे हैं। आचार संहिता का अर्थ क्या है कि हम क्या पूजा पाठ नहीं करें? सर आचार संहिता का क्या मतलब? आचार संहिता में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि दुर्गा पंडालों पे आचार संहिता का कोई वो नहीं है, ये हमने पेपर में पढ़ा है। और दूसरी बात सर, छोटी छोटी बच्चियों को जिनको हम दुर्गा का रूप मानते हैं, ये बच्चियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं सर। मतलब आचार संहिता में इतना पावर आ गया इनको सर, आज ये स्थिति है तो कल को अगर कुछ हुआ तो पता नहीं दुर्गा जी बिठा देंगे। सर आचार संहिता में सब लोग बोलते हैं कि दुर्गा जी मत बिठाओ, आचार संहिता चल रही है, आदेश करना सर, मूर्तियां उठवा दे क्या? अगर ऐसा है तो या तो आज पूरे पंडाल को बंद करवा देते हैं, आज विसर्जन कर देंगे सर, हिंदू समाज आकर जगा हुआ है।
या किसी आसान प्रशासन से डरेंगे नहीं? क्यों दे रहे हैं? घर फोन लगा उठवा दूंगा, सबको अंदर करवा दूंगा, थाने में ला के मारूंगा। तो सर ये अंदर मारूंगा बोला, इससे बात करने आपकी यही बोल रहे हो उठा देखो सर। माँ की आराधना है, उनका भजन, उनके उनके आराधना, उनके भजन कर। यदि हम उनके प्रांगण में माँ का भजन नहीं कर पा रहे हैं, महिलाएं उनके उसे व्यक्त नहीं कर पा रही है, तो माँ की सेवाएं आराधना करें या ना करें, हमारे से भी है भाई। माँ की सेवा ही कर रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ गति नहीं किया, किसी प्रकार की हमसे बात कर रहे हैं ना, हमने आपसे कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया। मतलब ये तो सर ऐसे बिल्कुल धमकी दे रहा सर, ये तो मतलब सर ये हिंदू समाज ऐसे हटेगा नहीं जब तक की 25 साल से मस्जिद के सामने कुड़मी मोहल्ले में माता जी बैठ रही है, आज तक कोई भी विवाद नहीं आया। आज तक कोई विवाद नहीं आया। यदि कोई अन्य समाज, यदि कोई अन्य समाज बोलते कि इससे हमको दिक्कत है तो भी हम मानते कि चलो हम गलत है। यदि कोई दूसरा समाज बोलते कि शोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपत्ति कोई हो सर, शराब आपत्ति आ रही हो, ये जगह सब दूर यही हुआ है। और एक प्रांगण में जितने भी खालवान प्रांगण है सभी जगह इस प्रकार का व्यवहार किया गया। आप ये बात बैठ के भी कर सकते थे ना, ये बात आप पंडाल वालों को बुला के कर सकते हो, उसका कोई हल निकालते। आप मतलब जाके धमकी, मतलब सर आचार संहिता में ऐसा होता है क्या? और सर ये हर साल बैठने वाली माता जी, इसकी हम कोई परमिशन नहीं लेंगे, माता जी बिठाने की कोई परमिशन नहीं लेंगे। परमिशन ली गई है, नहीं लेंगे आप। परमिशन ली गई है और शासन द्वारा ही बोला गया कि माता जी बैठने की कोई परमिशन नहीं। यदि आप कोई कार्य करते हो, कोई कार्यक्रम करते हो तो परमिशन ली जाए, ये वहां से बोला गया है। दो बक्से बज रहे हैं उसके उसके बाद ही डरा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों का सुन लिया हमने, सर हटेंगे नहीं, यहाँ से समाज हटेगा नहीं। नहीं, हम भी ऊपर तक बात पहुँचा देते हैं, वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी फिर हम आपको। सर कार्रवाई होगी जब तक इंतजार करें ना सर, हम बैठेंगे सर, कोई नहीं जाएगा, मार्केट बंद रहेगा सर, वो ले गया तो चक्का जाम भी कर दूंगा। रात का है लगभग 11 बजे, हमारी आरती और गरबा छोटी छोटी कन्याओं द्वारा नवरात्र में हो रहा था। उसके बाद हम लोग सब अंदर जा रहे थे तो जितने में पुलिस की गाड़ी सिंघम स्टाइल में आती और बिल्कुल पंडाल के सामने सटा के रोक देती और आती है अचानक से, बोले इनका वीडियो बनाओ, डीजे बंद करो, ये करो वो करो। और ऐसा मतलब हमको प्रतीत हो रहा था जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं या कोई हम गलत काम कर रहे हैं। जूते पहन के अंदर है, और मतलब जूते पहन के अंदर आना और वीडियो बनाओ, डराना, धमकाना, कहा तुम्हारे पास परमिशन? भारत में रह के यदि हिंदू धर्म के त्योहारों के लिए परमिशन की आवश्यकता हो गई तो हो चुकी बात, जबकि कोर्ट का सीधे आदेश है कि नवरात्र में आचार संहिता का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रहेगा। ये हमको बार बार आके चमका रहे हैं। अभी हम थाने में सामान्य रूप से बात करने गए, हमारे पंकज जी भाई साहब और समाज के सभी लोगों को बोल रहे हैं करो इनके ऊपर 188 की धारा के तहत कार्रवाई। हम, हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से TI ने अभद्रता से बात करी है, जो पुलिस कर्मचारी ने हमारे से अभद्रता से बात करी है, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, नहीं तो आज पूरा मार्केट बंद रहेगा और महिलाओं द्वारा आवेदन दिया जाएगा और मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी पुलिस प्रशासन के ऊपर, तब तक किसी भी पंडाल में आरती नहीं होगी। पूरा मार्केट बंद रहेगा अनिश्चितकालीन तक, जब तक उनके ऊपर और चुनाव बहिष्कार की घोषणा खालवा करता। जय जय सर। दारू पी होते क्या कल? AC, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।